जनपद संभल में गुंडा बनी योगी पुलिस। सीसीटीवी में कैद हुई पुलिस की गुंडई, घरों के बाहर सड़क पर खड़ी लाखों रुपए की दर्जनों बाइक तोड़ी। सूजे से बाइक में किए पंचर, बाइकों का आखिर क्या दोष। कोरोना कर्फ्यू में पुलिस की गुंडई पर लोगों में दहशत का माहौल, साधी चुप्पी। कैमरे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं। चंदौसी कोतवाली के ब्रह्मा बाजार से सामने आई पुलिस की गुंडई की तस्वीरें। ये जो एक वीडियो आपने वायरल करा है, हाँ, जिसमें पुलिस कुछ दिख रहा है कि गाड़ी ये तोड़ रही है, हाँ। तो क्यों तोड़ी गई गाड़ी, किसकी गाड़ी है थी ये? सर क्या बताएं कि कुछ खुंदक खाए हुए या कुछ भी, उनका दिमाग क्या है क्या नहीं है। गाड़ी पूरी यहाँ पर आई, उन्होंने कुछ ना मिला। एक आदमी की नई शादी हुई थी, शादी में बाइक मिली थी, यहाँ खड़ी थी बाइक खड़ी करके वो बेचारा सुनार का कोई सामान लेने गया था। आए वो, उन्होंने सब बाइक गिराई, उसके बाद सूजे से उनकी टायर में पिंचर कराया, उसमें कम से कम 8,000-10,000 रुपये का सामान लगा है बाइक में। और जितनी बाइक पड़ी है, किसी का शीशा, किसी का हेडलाइट, किसी का मडगार्ड, किसी ने सब कुछ तोड़ा है। लेकिन क्या कहें, प्रशासन है, प्रशासन से कुछ आदमी दे नहीं सकता। और मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ आपको ये बारे में, लेकिन जाना ही नहीं था कोई भी, क्या फ़ायदा किसी का नुकसान हो या क्या हो। और ये मैंने मजबूरी में डाला क्योंकि हर कल चालान मेरा काट दिया। कहाँ खड़ी थी बाइक? ये बाइक इस साइड में और इस साइड में खड़ी थी। किन लोगों की बाइक जो आपके किसान लोग होते हैं, गरीब, मतलब जो सामान लेने आते हैं वो ही है। यानी दुकान खुल रही थी क्या ये? नहीं, दुकान सब बंद थी। तो फिर वो सामान कहाँ से खरीद रहे थे? वो आए थे सामान के लिए। अच्छा अच्छा। अब जब पुलिस की ये देखी तो वो गलियों भाग लिए। ये करीब लगभग 12 बजे की बात है, जिस टाइम बाजार बंद होता है उस टाइम की बात है। ये वीडियो फुटेज कब की है? ये सीसीटीवी कैमरे की लगभग 5 या 4 दिन पुरानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस कुमार। यहीं रहते हो आप? यहीं रहता हूँ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी एक रोड पर खड़ी हुई कुछ बाइकों को तोड़ रहे हैं। इस मामले में अभी प्रारंभिक जांच सीओ चंदौसी को दी गई है, तथा इस बात का वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि यह वीडियो कब का है तथा किस जगह का है। इन दोनों चीजों का वेरिफिकेशन होने के पश्चात दोषी पुलिसकर्मियों पर वैधानिक कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही की जाएगी।